विषय है कि हम आए दिन देखते हैं कि जो वाइन स्मगलिंग के केस जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का जो नरम रवैया इसके प्रति है उसके एक चिंता थोड़े टाइम के बाद, अभी तो बारिशें हैं, बारिशों के बाद जैसे ही मौसम थोड़ा साफ होगा तो माइग्रेशन की आड़ में वाइन स्मगलिंग बड़े पैमाने पे होती है, हर साल हम देखते हैं। इसलिए हमने इस बार दिल्ली में आपको है शक्तिशाली विश्वास की तलाश, दुर्गा शक्ति टाइल्स बनाती है आपके घर को खूबसूरत, आपके घर की दीवारों को लोहे से मजबूत बनाती है दुर्गा शक्ति टाइल्स। आज ही संपर्क करें और ले आए अपने घर यहीं से टाइल और ब्रिक्स। अद्भुत डोडा का अद्भुत प्रयास, एक बार करके देखो दुर्गा शक्ति टाइल्स पे विश्वास। ज्यादा कहीं दूर नहीं, डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही है इनका काम का। आपको चाहिए ट्रैवल ब्लॉक टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, एलसी पॉट्स, सॉलिड ब्लॉक्स, एलसी मल्टीप्लेक्स एक्स्ट्रा। क्या सोच रहे हैं, उठाए फोन और लगाए कॉल। आदाब व सत श्री अकाल, मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं द अर्बन रिपोर्ट, द लोकल रिपोर्ट। और एक विषय जो है जिस विषय के ऊपर भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, उस विषय के ऊपर सरकारें भी जो है कहती हैं कि हम काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हम काम करते हैं, ऑर्डर्स जो है निकाले जाते हैं, 144 जो है लागू किया जाता है, आर्टिकल 144 जो है वो लागू किया जाता है, लेकिन हकीकत में ऑन ग्राउंड जो है वो आर्टिकल 144 क्या उस तरीके का काम कर रहा है या उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। बहुत सारी जगहों पर खबरें आती भी हैं कि पकड़े जा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर जो है जो इनकी फाउंडेशंस यानी कि जो गौ रक्षस फाउंडेशन है वो लोग जो है सामने आते हैं, वो लोग पकड़ते हैं, पुलिस भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि पकड़ती है। तो बोवाइन एनिमल्स की स्मगलिंग इलीगल है वो सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से जो है वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी आड़ में जो है वो स्मगलिंग्स हो रही है, और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमारे साथ में आप जानते हैं, पहले भी आप जानते हैं कि फाउंडेशन जो भगवा सेवा फाउंडेशन है उनके अध्यक्ष हमारे साथ में, चेयरमैन हमारे साथ में है नटवरलाल जी, इन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे आज जो है इस विषय के ऊपर, ये जो है हमारे सामने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कुछ कहना चाहते हैं, और आर्टिकल 144 अगर लागू है तो किस तरीके से जो है वो फिर भी डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें बोवाइन एनिमल्स की जो है स्मगलिंग्स देखने को मिल रही है। नटवरलाल जी आपका स्वागत है, क्या कुछ कहेंगे। धन्यवाद प्रयाग जी, आप यहाँ पे आए इसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। आज जो हमारा विषय है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का, ये विषय है कि हम आए दिन देखते हैं कि जो बोवाइन स्मगलिंग के केस जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का जो नरम रवैया इसके प्रति है उसके एक चिंता का कारण है। हम देखते हैं कि अभी जो कुछ टाइम पहले जैसे ईद के समय पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा माइग्रेशन की आड़ में गौ तस्करी की गई, अभी थोड़े टाइम के बाद, अभी तो बारिशें हैं, बारिशों के बाद जैसे ही मौसम थोड़ा साफ होगा तो माइग्रेशन की आड़ में बोवाइन स्मगलिंग बड़े पैमाने पे होती है, हर साल हम देखते हैं। इसलिए हमने इस बार जो है एक लेटर निकाला है, आप देख सकते हैं ये एक लेटर है, ये लेटर क्या है कि ये जो इलीगल जो ट्रैफिकिंग है बोवाइन स्मगलिंग के आड़ में, माइग्रेशन के आड़ में जो ये बोवाइन स्मगलिंग होती है, इस बोवाइन स्मगलिंग को रोकने के लिए हमने ये एक एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि एक आर्डर निकालिए जिस आर्डर में हमने ये चीज़ इंश्योर हो जाए कि 100% आधार टैगिंग गाय की होनी चाहिए। हम आए दिन देखते हैं इस वक्त रोडों पर अगर आप निकलेंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे कि गाय जो है दो आधार टैग होंगी और 20 गाय जो है या 40 गाय किसी एक एक आदमी की वो माइग्रेशन की आड़ में यहाँ से पहाड़ की तरफ लेके जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं सेम रिटर्न आते हैं वापस भी वापसी में तो वो उनके साथ में एक भी गाय नहीं होती है, वही जो टैग वाली एक या दो गाय होंगी उसमें से बोलेंगे एक मर गई एक यहाँ चली गई, तो वो सारी की सारी गाय जो है यहाँ से श्रीनगर पास लगता है और यहाँ पहाड़ी से होते हुए वो श्रीनगर की तरफ ले जाते हैं। तो इस चीज पे रोक लगाने के लिए ये हमारे जो सनातन संस्कृति को एक ठेस पहुंचाने वाली बात है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि डीसी साहब इस पे आर्डर निकालें कि जितनी भी गायें यहाँ से जाती हैं उनको जो है आधार टैगिंग इंश्योर करके और एक एनओसी इनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे कितनी गायें लेके आ रहे हैं,
उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो और कितनी गाय लेके आ रहे हैं वो, और वापसी पे कितनी उतनी ही गाय वापस आनी चाहिए। अगर कोई मर जाती है तो उसके उसके जो है मेडिकल रिपोर्ट, उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट कराए, जो इस मालिक जो बनता है गाय का वो सबमिट कराए। देखिए पहले भी डीसी साहब ने जो है आर्टिकल 144 इंपोज किया हुआ है इसके ऊपर, जो भी कोई मिलता है उसके सीधा जो है वो अंदर हो जाएगा, उसके लिए सख्त कानून जो है लागू किया उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है फिर भी जो है ऐसी चीजें हो रही। देखो जी, वही मैं पहले बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का जो नरम रवैया है इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हम ये बता देना चाहते हैं डीसी साहब को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को बता देते हैं कि हम अभी, हमें पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग चाहिए। हम जगह जगह पे जो माइग्रेंट करते हैं, गुजर बकरवाल या जो यहाँ के पहाड़ी लोग जो है माइग्रेंट करते हैं, पहाड़ियों की तरफ जाते हैं अपने माल लेके, हम ये नहीं बोलते कि वो ना जाएं, जाएं, हम उनके लिए जगह जगह पे खाने पीने की व्यवस्था भी प्रोवाइड कराएंगे, उनको लंगर लगाएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे, पानी चाय खाने का भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन जहाँ पे जब ये एक डिस्ट्रिक्ट से या यहाँ गाँव से निकल के पहाड़ी की तरफ जाते हैं तो वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट यहाँ का वो पुलिस प्रशासन है, वो इंश्योर करे कि कितनी गाय वो लेके जा रहे हैं, क्या कोई आधार टैगिंग के बगैर अगर गाय है तो उसको जो है वहीं पे पकड़ के गौशाला भेज दें या उसके खिलाफ पर्चा काटें। हम ये चाहते हैं सरकार से, जब ऐसा होगा तभी वहां पे बोइन स्मगलिंग रुक सकती है। अदरवाइज आए दिन आप देखते हैं कि मैं कल किसी इलाके में गया हुआ था, वहां पे मैंने देखा एक आदमी के पास 4 से 5 कनाल जमीन है और उसने 10 बैल रखे हुए हैं। आप बताइए कि 10 बैल आधार टैगिंग के बगैर हैं, और हमने जब इंक्वायरी की तो उन्होंने गांव से खरीदे हुए अभी बैल। हम ये चाहते हैं कि वो जो 10 बैल एक आदमी जिसके पास 3 से 4 कनाल जमीन है, वो 10 बैल क्या कर रहा है, और हर साल वो बैल खरीदता है और वो जैसे ही सीजन खत्म होगा वो ऊपर लेके बेच देते हैं, कश्मीर के व्यापारी आते हैं और वो वहां पे बिक्री कर देते हैं। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई गौ वंश या गौ माता के साथ जो खिलवाड़ करे, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सुरक्षा के प्रति कोई खिलवाड़ करे। भगवा सेवा फाउंडेशन इसको कतई माफ नहीं करेंगे, और हम इस बार हमारी पूरी टीम अलर्ट है। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन का और एडमिनिस्ट्रेशन का हमें सहयोग मिले ताकि इस पे अंकुश लगे। चलिए, तो आपने सुना कि क्या कुछ इन्होंने कहा और एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्या कुछ करती, क्योंकि ऑर्डर्स तो निकलते हैं लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा कि टैग्स उनके ऊपर होने चाहिए और प्रॉपर जो है इंक्वायरी होनी चाहिए कि कितने जो है व्यापारी हो गए या जो गाय चराने वाले हैं जो पहाड़ी एरिया पे लेकर चलते हैं या गुजर बकरवाल हो गए, तो उनके जितने भी मालवेशी है उनकी गिनती होनी चाहिए कि वो जो है कितने लेकर जा रहे हैं और कितने वापस आए। और आपने बाकी बात पूरी सुनी, एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर क्या करेगी, सरकार जो है इसको लेकर क्या करेगी, क्योंकि बार बार हम भी कहते आए हैं कि सरकार वही सरकार है जो सरकार गाय को लेकर जो है पॉलिटिक्स करती थी, लेकिन आज जब काम करने की बारी है तो काम उस तरीके का नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए था। दीजिए सुलेंद्र परिहार को इजाजत और आप बने रहे दारबन रिपोर्ट, द लोकल रिपोर्ट के साथ। और यही मेरा नया पता है, यानी कि सुलेंद्र परिहार का नया पता द अर्बन रिपोर्ट है। सब्सक्राइब करें, लाइक द अर्बन रिपोर्ट को फॉलो करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमारे सुलेंद्र परिहार जो हैं काफी अच्छे से इसको चला रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से इसको फॉलो करें। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि आप द अर्बन रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही उनके फॉलोवर बढ़ेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। गाइस कैसे हैं आप सब, ठीक होंगे। द अर्बन रिपोर्ट्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे सुलेंद्र परिहार को अच्छे से अच्छे बार कमेंट करें।